गोरखपुर में 22 जुलाई को होने वाले प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक रैली में शामिल होने के लिए महापौर ने धर्मशाला बाजार के नागरिकों एवं व्यापारियों को निमंत्रण पत्र देकर बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है। आगामी 22 जुलाई को गोरखपुर में होने वाले खाद कारखाना और एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम और रैली में अधिक से अधिक लोगों को आने का न्योता देते हुए रैली को सफल बनाने के लिए महापौर डॉ. सत्या पांडे अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारियों और नागरिकों को पर्चे बांटे। भाजपा कार्यकर्ता मनोज कुमार मिश्र के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद थे। बेहद उत्साहित कार्यकर्ता मोदी, योगी और सत्या पांडे के समर्थन में गगनभेदी नारे लगा रहे थे। भाजपा कार्यकर्ता मनोज कुमार मिश्र ने बड़ी संख्या में रैली स्थल पर व्यापारियों और युवाओं को पहुंचने की अपील की। महापौर सत्या पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक रैली है जो पूर्वांचल और पूर्वांचल के लोगों के लिए नई सौगात देने के लिए आयोजित की जा रही है। पहले तो 22 जुलाई का ऐतिहासिक ये शिलान्यास होने जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री आज तो उस दिन के शिलान्यास जो तो करेंगे वो वास्तव में पूर्वांचल बधाई का पात्र है। प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल को अनदेखा नहीं किया, वरना जो भी सरकार आती थी पूर्वांचल को किनारे ढकेल देती थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और माननीय पूज्य महाराज जी ने अपने संघर्षों के बल पे सड़क से लेकर संसद तक पूज्य महाराज जी ने ये दिखाया कि देखो पूर्वांचल कोई अनदेखा नहीं कर सकता। और इसके आगे से खाद कारखाना जो बहुत ही जरूरत है इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए, जब इंसेफेलाइटिस से विगत 4 दशकों से अब माताएं जो माता बिचारी होती चली जा रही थी उन्हें अब रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स की स्थापना पूर्वांचल के इस महानगर के गोरखपुर की धरती पर जा रहे हैं। इसके लिए मैं पूरा क्षेत्र आप सोच लीजिए इस क्षेत्र में युवाओं को कितना रोजगार बढ़ेगा, महिलाओं को भी रोजगार बढ़ेगा जो कुटीर उद्योग चला के। और बाहर से आप सोचिए कि ये ई रिक्शा वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, छोटे काम करने वाले हैं, हर तरह अपना रोजगार चलाएंगे और यहाँ से बेरोजगारी भी समाप्त प्राय हो जाएगी। और इनसे कारखाना कम होने के कारण किसानों को खाद भी मिलेगा। और आप सोच लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से ही महिलाओं जो 2 बजे रात से गैस सिलेंडरों के लिए लाइन लगाती थी, आखिर ऐसा चमत्कार हो गया कि लाइन लगाना भी बंद हो गया। अब तो मैं उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है, गरीब महिलाओं को निःशुल्क भी इसकी व्यवस्था है। और महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वास्तव में आज बेटियां भी गौरव से सिर ऊंचा उठा के चल रही हैं। 22 तारीख का आमंत्रण हम लोग दे रहे हैं, सारे युवा आज पूरी तरह से बहुत प्रसन्न हैं, महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं।